दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 के बीच चीन के वैज्ञानिकों ने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की थी, लेकिन जब चढ़ाई करने पर चीन असफल रहा तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए भी इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की। मगर वहां हैरान कर देने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को जो देखने को मिला, तो उसके बाद चीन ने आज तक इस पर्वत पर दोबारा कभी भी चढ़ने की कोशिश नहीं की। तो आज हम आपको चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर को उतारने से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई पर स्थानीय तिब्बती निवासियों ने काफी विरोध किया, क्योंकि हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही कैलाश पर्वत को काफी धार्मिक और पवित्र स्थल मानते हैं। कैलाश पर चढ़ाई के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम के साथ साथ भयंकर हिमस्खलन का भी सामना करना पड़ा और इसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत भी हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद सन 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश पर्वत की चोटी पर उतरने की कोशिश की थी, मगर यह कोशिश भी नाकाम रही। चीनी मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार शुरुआत में वैज्ञानिकों को कैलाश के बेहद खूबसूरत और मनमोहक नजारे देखने को मिले, मगर जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुँचते ही कैलाश पर्वत पर अचानक से मौसम में बदलाव होने लगा और जोरदार बर्फबारी के बीच हिमस्खलन होते हुए दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे कि जिनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भयानक बर्फबारी लगातार हो रही थी और जबरदस्त बिजली चमक रही थी। इससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में भी काफी दिक्कत आ रही थी और ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। इसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं एक जगह आकर मिलती है, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा और उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वह पर्वत की ओर बढ़ते गए, जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ सका, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने के ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद वे किसी तरह से ऊपर की ओर बढ़ते रहे और कुछ दूर ऊंचाई पर पहुँचते ही तेज बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रेडार ने ठीक से काम करना भी बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण ने भी अपना काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्हें तुरंत ही अपना मिशन बीच में ही छोड़कर वापस बेस कैंप पर आना पड़ा, क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी दोबारा कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचते ही आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देने लगती है। यहां का मौसम अचानक से बदलने लगता है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति को बेचैनी होने लगती है। मानो अंदर से कोई कहता है कि यहां से चले जाओ। जिन लोगों ने इस चेतावनी को अनसुना किया, उनके साथ बहुत ही बुरे अनुभव हुए और कुछ लोग तो कैलाश पर्वत पर रास्ता भटक गए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कैलाश पर्वत पर कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाता? क्या इसके पीछे कोई दैविक शक्तियों का हाथ है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।